उदाहरण 15। इन समीकरण को हल कीजिए। 41x ऋण 17y बराबर 99, 17x ऋण 41y बराबर 75। हल। समीकरण 41x ऋण 17y बराबर 99, ये हमारा समीकरण एक है। और दूसरा समीकरण 17x ऋण 41y बराबर 75, यह हमारा समीकरण दो। समीकरण सबसे पहले हम समीकरण एक में समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने को जोड़ने पर समीकरण पहले समीकरण का बायां पक्ष लेंगे हम, 41x ऋण 17y, और दूसरे समीकरण का बायां पक्ष को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 17x ऋण 41y बराबर 99 धन 75। अब 41x और 17x को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 58x प्राप्त होगा, और उसी तरह से ऋण 17y में ऋण 41y का जो योग होगा वो होगा ऋण 58y बराबर 99 और 75 का योग हमारा 174 होगा। या दोनों पदों में 58 यहाँ उभयनिष्ठ है, 58 को जब हम बाहर निकालेंगे कोष्टक के तो कोष्टक के अंदर x ऋण y बराबर 174 हम लिखेंगे, या x ऋण y बराबर 174 बटा 58, या x ऋण y बराबर 174 भागित 58 बराबर 3, ये हमारा समीकरण 3, इसे हम इसको समीकरण 3 मानेंगे, x ऋण y बराबर 3। अब समीकरण एक को समीकरण एक में दो को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो समीकरण एक में हम देखेंगे 41x ऋण 17y है, यह हमारा समीकरण एक का बायां पक्ष है। इसको हम घटाएंगे समीकरण दो के बाएं पक्ष से, तो घटाने के लिए हमने ऋण चिन्ह लगाया और समीकरण दो का जो बायां पक्ष है उसको हम कोष्टक में लिख लेंगे, 17x ऋण 41y कोष्टक बंद कर लिए बराबर समीकरण एक का जो दायां पक्ष है वो 99 और समीकरण दो का दायां पक्ष 75। इसको घटाना है हमें तो इसको हम घटा के लिखेंगे 99 ऋण 75। आगे या कोष्टक को हम सबसे पहले खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 41x ऋण 17y ऋण 17x और ऋण ऋण का जब हम ऋण 1 को ऋण 41 से गुणा करें तो धन 41y बराबर 99 से में से 75 को हम घटाएंगे तो हमें
प्राप्त होगा 24, या 41x ऋण 17x बराबर 24x, और उसी तरह से ऋण 17y में धन 41y को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा धन 24y बराबर 24। अब 24 को उभयनिष्ठ, हम दोनों पदों से 24 को उभयनिष्ठ निकाल के x धन y बराबर 24, और जो उभयनिष्ठ 24 निकला है उसको हम पक्षांतर करेंगे तो बटा 24, या x धन y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 4 है। इसके आगे देखते हैं अगले पृष्ठ में। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 का बायां पक्ष है हमारा x ऋण y, और समीकरण 4 का बायां पक्ष है x धन y, क्योंकि हम इसका कुछ इसको जोड़ रहे हैं इसीलिए यहाँ धन लगाए हमने, बराबर समीकरण 3 का दायां पक्ष 3 है और समीकरण 4 का दायां पक्ष 1 है, इसको हम जोड़ रहे हैं, या यहाँ x धन x 2x हुआ और ऋण y धन y आपस में कट जाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो 2x बराबर हमारे पास 3 और 1 4 प्राप्त हुआ, या x बराबर 4/2, या x बराबर 2, यहाँ पे हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 3 रखने पर समीकरण हम 3 लिख लेते हैं पहले, हमारा समीकरण 3 है x ऋण y बराबर 3। समीकरण 3 में हम यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 2 ऋण y बराबर 3 यहाँ सूचित करता चिन्ह लगा लेंगे, या 3 का पक्षांतर हम बाएं पक्ष में करेंगे और ऋण y का पक्षांतर दाएं पक्ष में करेंगे, तो 3 का पक्षांतर बाएं पक्ष में करने पर ये ऋण 3 होगा बराबर, ऋण y का पक्षांतर दाएं पक्ष में करेंगे तो ये y हो जाएगा जो धनात्मक में हो जाएगा, चिन्ह यहाँ बदलेगा ऋण y धन y हो जाएगा, या y बराबर 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1। तो इस तरह से y का मान हमें ऋण 1 प्राप्त हुआ। यहाँ x बराबर 2 और y बराबर ऋण 1 दिए गए समीकरण के हल है।